एक राइड में जो रश है और जो थ्रिल है वो हर किसी को पसंद है। खासकर जब पहाड़ों में वो zigzag टर्न्स पे बाइक को लीन करते हुए आगे बढ़ते हैं, एक यार अलग ही फीलिंग आती है। आई थिंक सारे राइडर्स इस फीलिंग को रिलेट कर सकते हैं। और अगर उसके बाद कहीं ऑफ रोड मिल जाए तो भाई मजे ही मजे। ऐसे ही रोड्स पे तो पता चलता है बाइक की असली परफॉर्मेंस, पावर एंड स्टेबिलिटी। लेकिन क्या आपको पता है ये तीनों पॉइंट जो मैंने बोले इनको सबसे ज्यादा क्या इफेक्ट करता है? वो है आपकी बाइक्स के टायर्स। टायर्स आर एक्चुअली द लाइफ लाइन ऑफ योर बाइक विच हेल्प्स यू नेविगेट थ्रू डिफरेंट काइंड ऑफ टेरेन्स, जो अलग अलग रास्तों में आपको हेल्प करता है। और ये बहुत देखा है यार मैंने कि मोस्ट ऑफ द राइडर्स आर कंफ्यूज्ड जब भी उनको अपनी बाइक के टायर चेंज या रिप्लेस कराने होते हैं। मैंने कुछ बाइक्स के जो है ना ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं, जैसे वर्सेस 650 का नॉर्थ का ग्रुप है। हाफ ऑफ द टाइम डिस्कशंस आर अबाउट कौन से टायर डलवाने चाहिए या फिर कौन से बेस्ट टायर है। बट बिलीव मी, ऑल टायर्स आर नॉट क्रिएटेड इक्वल, और सही टायर्स होना यार बहुत जरूरी है, बिकॉज टायर्स कैन मेक ए हेल लॉट ऑफ डिफरेंस ऑन योर राइडिंग एक्सपीरियंस, कम्फर्ट, हैंडलिंग, स्टेबिलिटी, ट्रैक्शन, ब्रेकिंग, पावर एंड इवन फ्यूल कंजम्पशन। तो इन सब चीजों पर टायर का बहुत असर होता है। तो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल डॉक्टर राइडर 33। होप एवरीवन इज फिट, फाइन एंड हेल्दी। और आज हम बात कर रहे हैं मोटरसाइकिल टायर्स पे। और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ टायर्स। टायर्स के ऊपर कुछ नंबर लिखे होते हैं, उनका क्या मतलब है, हर टायर्स में ट्रेड डिफरेंट के होते हैं, उनका क्या पर्पस है, टायर कंपाउंड्स क्या होता है और उनका मतलब क्या है, और भी बहुत कुछ। तो यार चाहे आप एक्सपीरियंस राइडर्स हो, चाहे आप अपनी बाइक जर्नी शुरू करने जा रहे हो, तो यार टायर्स के रिलेटेड थोड़ी इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए। सो गाइस कीप वॉचिंग टिल द एंड एंड स्टे ट्यून्ड इन दिस इंटरेस्टिंग वीडियो। तो चलिए आते हैं यार फर्स्ट टॉपिक पे, जो है टायर साइज। आपने कभी ध्यान से कोई टायर की साइड वॉल पे ये देखा है कि वहाँ कुछ नंबर्स और अल्फाबेट्स लिखे रहते हैं, जैसे 120/70R17 और 160/60RZ17। या फिर जब आप टायर लेने गए हो कभी तो शॉपकीपर पूछता है कि टायर कौन से साइज का चाहिए। ये ऐसी ही कोई कोडिंग नहीं है, बट ये एक्चुअली में टायर की साइज इंफॉर्मेशन है, जिसमें फर्स्ट नंबर रिप्रेजेंट करता है विड्थ ऑफ टायर। इन दिस केस इट इज 120 mm। ये 70 है परसेंटेज ऑफ विड्थ ऑफ टायर और ये रिप्रेजेंट करती है हाइट ऑफ साइड वॉल। इसमें 70% ऑफ 120 mm हो जाएगा 84 mm। नेक्स्ट आते हैं वर्ड्स R, विच मीन्स ये टायर रेडियल है, और लास्ट फिगर है 17, विच मीन्स कि ये टायर कौन से रिम साइज में फिट होगा, मतलब ये 17 इंच व्हील के लिए परफेक्ट है। वैसे आजकल तो मोस्टली सब कार्स और बाइक के टायर रेडियल टायर्स आते हैं, जो बेस्ट है। बट क्या आपको पता है कि रेडियल टायर्स की एक प्रॉब्लम है कि ये एक स्पेसिफाइड वेट से ज्यादा लोड नहीं ले सकते, इसलिए एज कम्पेयर टू नॉर्मल टायर्स, इसलिए रेडियल टायर्स को अलग अलग लोड के हिसाब से मैन्युफैक्चर किया जाता है। रेडियल टायर्स में 120/70R17 के आगे भी एक फिगर होती है, जैसे 58H या 60W। ये इंडिकेट करता है स्पीड रेटिंग और लोड कैपेसिटी, यानी वो टायर किस स्पीड तक सेफ है और कितना लोड बियर कर सकता है। इसका चार्ट है जो ऑनलाइन अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हो। मगर इंडिया में जो टायर्स हैं उनकी रेटिंग में थोड़ा डिफरेंस है एज कम्पेयर टू बाहर के टायर्स में, और सब में थोड़ा वेरिएशन रहता है अकॉर्डिंग टू द कंट्री, व्हीकल टाइप एंड ब्रांड। फोर व्हीलर्स के लिए अलग है, ट्रक्स और कमर्शियल व्हीकल के लिए अलग रेटिंग है। बड़ी मुश्किल से यार बाइक का एक चार्ट मिला जिसमें इंडिया में ISO के अकॉर्डिंग गाइडलाइंस हैं। हम यहाँ बात करेंगे इंडियन टायर ब्रांड्स की। वैसे हर टायर कंपनी अपना अलग से चार्ट भी प्रोवाइड करती है जिसमें ये रेटिंग्स मेंशन रहती हैं। जैसे मैंने देखा कि मिशलिन का चार्ट थोड़ा डिफरेंट है और ब्रांड्स के कंपैरिजन में। इसमें नंबर रिप्रेजेंट करता है लोड कैपेसिटी और न्यूमरिक रिप्रेजेंट करता है स्पीड। तो यहाँ इंडिया टायर में
नंबर 58H का मतलब है कि इसका मैक्सिमम लोड कैपेसिटी है 236 kg और मैक्सिमम स्पीड जिस पे ये सेफली परफॉर्म कर सकता है वो है अप टू 210 km/h। तो चलो एग्जांपल के लिए देखते हैं हिमालयन के टायर साइज। उसका स्पेसिफिकेशन जो है फ्रंट में है 90x90 2154S और रियर में है 140/80R1769S। तो फ्रंट टायर 90mm वाइड है और 80mm की उसकी साइड वॉल है। 21 इंच व्हील डायमीटर है। इंडियन चार्ट के हिसाब से इस टायर की मैक्सिमम लोडिंग कैपेसिटी है 212 किलो और मैक्सिमम स्पीड है 180 किलोमीटर। रियर का देखें तो 140mm विड्थ है और वहीं उसकी साइड वॉल की जो चौड़ाई है वो 112mm है। 17 इंच व्हील साइज है। मैक्सिमम लोड कैपेसिटी 325 kg है व्हाइल द मैक्सिमम स्पीड इज सेम एज द फ्रंट वन 180 किलोमीटर। होपफुली अब आपको टायर पे ये मार्किंग्स का मतलब समझ आ गया होगा। वैसे हर बाइक कंपनी अपने मैनुअल में टायर के साइज की स्पेसिफिकेशन मेंशन करती है, तो हमें मोस्टली वही फॉलो करना चाहिए और उसी साइज के टायर्स हमें अपनी बाइक में लगवाने चाहिए। थोड़ा बहुत वेरिएशन चल जाता है मगर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इट कैन कॉम्प्रोमाइज द सेफ्टी एंड परफॉर्मेंस ऑफ योर बाइक। वैसे बाइक खरीदने के बाद एक बार उसका मैनुअल जरूर पढ़ना चाहिए क्योंकि उसमें बाइक की परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहती है। अब आते हैं यार सेकेंड पॉइंट पे जो है रबर कंपाउंड, यानी वो किस तरह के मटेरियल से यानी कंपाउंड से बना है। कंपाउंड टायर बनाने वाले मटेरियल मिक्स को कहते हैं जो डायरेक्टली टायर की ग्रिप, ड्यूरेबिलिटी, परफॉर्मेंस और लाइफ को अफेक्ट करता है। सबसे पहला है सॉफ्ट कंपाउंड टायर्स। ये टायर्स मोस्टली हाई परफॉर्मेंस बाइक्स में यूज होते हैं जैसे ट्रैक रेसिंग में या रेस में। इनका पर्पस सिर्फ एक ही होता है, मैक्सिमम ग्रिप। ये टायर्स मोस्टली नॉर्मल टायर से कुछ ज्यादा वाइड होते हैं ताकि रोड के साथ अच्छा कॉन्टैक्ट पैच बनाकर चल सकें। सॉफ्ट होने की वजह से ये टायर्स की लाइफ बहुत ही कम होती है। सेकंड है मीडियम कंपाउंड टायर। ये टायर्स मेनली सॉफ्ट और हार्ड कंपाउंड का बैलेंस होता है जो हमें ग्रिप और लॉन्ग लाइफ दोनों प्रोवाइड करते हैं। ऐसे टायर्स रोजमर्रा की राइडिंग के लिए सुटेबल रहते हैं और थोड़ी बहुत कॉर्नरिंग भी की जा सकती है। थर्ड कैटेगरी है जो वो है हार्ड कंपाउंड टायर्स। ये ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं और काफी लंबा चल सकते हैं लेकिन ये उतनी ग्रिप प्रोवाइड नहीं कर सकते, स्पेशली इन वेट कंडीशन। ये टायर्स लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग के लिए बेस्ट रहते हैं। कुछ टायर्स में डुअल या ट्रिपल कंपाउंड्स का भी यूज होता है जहां सेंटर पर हार्ड कंपाउंड टायर की लाइफ बढ़ाता है तो वहीं बाहर की तरफ सॉफ्टर कंपाउंड कॉर्नर्स में लीन करने के लिए एक बेहतर ग्रिप प्रोवाइड करता है। तो यार आज का थर्ड टॉपिक है टाइप ऑफ मोटरसाइकिल टायर्स। मोटरसाइकिल टायर स्पेसिफिक राइडिंग कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए जाते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है जो बहुत कॉमन है वो है रोड टायर्स। ये टायर्स स्ट्रीट यूज के लिए या सिटी राइड यूज के लिए होते हैं और इनको इस तरह डिजाइन किया जाता है कि हर तरह के वेदर कंडीशन में यूज किया जा सके। ऐसे टायर्स ड्यूरेबिलिटी, कंफर्ट और परफॉर्मेंस का एक अच्छा बैलेंस ऑफर करते हैं। इनका ट्रेड पैटर्न मोस्टली पानी को दूर करने के लिए होता है ताकि स्लिपरी सरफेस पे भी अच्छी ग्रिप बनी रहे। रोड टायर्स में ज्यादातर हार्ड कंपाउंड यूज होता है और इनकी लाइफ भी बहुत अच्छी होती है। सेकेंड टायर्स हैं ऑफ रोड टायर्स। अगर आप डर्ट बाइकिंग में हैं या एडवेंचर राइडिंग में हैं तो ऑफ रोड टायर्स ही आपके लिए बेस्ट रहेंगे। ये टायर्स एग्रेसिव ट्रेड पैटर्न्स के साथ आते हैं। ऐसे टायर्स में लूज सरफेस जैसे डर्ट, सैंड और मड को ग्रिप करने के लिए काफी डीप ट्रेड्स होते हैं। इनका रोड पे कोई काम नहीं और अगर आप नॉर्मल बाइक में लगा देंगे तो ये इतनी ज्यादा नॉइस करेंगे और इनकी लाइफ इतनी कम होगी। आप इन्हें सिर्फ और सिर्फ ऑफ रोड ट्रैक्स पर ही यूज कर सकते हैं। ये मिक्स कंपाउंड से बने होते हैं, ना ही ज्यादा सॉफ्ट और ना ही ज्यादा हार्ड। फिर उसके बाद आते हैं जी डुअल स्पोक टायर। ये टायर्स उनके लिए हैं जो ऑन और ऑफ रोड दोनों पे राइड करते हैं। ये फुल ऑफ रोडिंग टायर्स की तुलना में कम अग्रेसिव ट्रेड पैटर्न के साथ होते हैं लेकिन रोड टायर से ज्यादा वर्सेटाइल होते हैं। आजकल ऐसे टायर्स की बहुत डिमांड है और बहुत सारी कंपनी इस टाइप के टायर्स नए नए टायर्स मार्केट में ला रही हैं। इन टायर्स में मिक्स कंपाउंड रहता है, लाइफ बढ़ाने के लिए बीच में हार्ड कंपाउंड होता है तो वहीं कॉर्नर्स पे सॉफ्ट कंपाउंड होता है ताकि ये कॉर्नर में लीनिंग के टाइम अच्छी ग्रिप बना सके। आजकल सब टूरिंग और एडवेंचर बाइक्स में इस टाइप के टायर यूज होते हैं और ये नॉर्मल टायर से थोड़े एक्सपेंसिव भी होते हैं। इसके बाद है ट्रैक टायर्स।
ये टायर स्मूथ सर्फेसिस पे मैक्सिमम ग्रिप के लिए बनाए जाते हैं। ट्रैक टायर्स में बहुत कम ट्रेड होता है। ये टायर्स अक्सर सॉफ्ट कंपाउंड से बनाए जाते हैं ताकि हाई स्पीड कॉर्नरिंग के टाइम रोड के साथ अच्छा कॉन्टेक्ट बना रहे। ये टायर्स की लाइफ बहुत ही ज्यादा कम होती है। तो गाइज, हर एक टायर एक स्पेसिफिक टाइप की राइडिंग कंडीशन के लिए बनाया जाता है, तो ये बहुत जरूरी है कि आपकी राइडिंग नीड्स के हिसाब से आप सही टायर का चुनाव करें और आप जो आपके राइडिंग एक्सपीरियंस और एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरे। टायर के रिलेटेड एक बहुत इंटरेस्टिंग मिथ है जिस पर हमेशा से एक डिबेट रही है, वो है वाइड टायर। लोगों का मानना है कि वाइडर टायर ऑफर बेटर ग्रिप एंड गिव ए मोर अग्रेसिव लुक टू द बाइक, लेकिन क्या वाइडर टायर हमेशा बेटर होते हैं? पहले देखते हैं कि वाइड टायर का फायदा क्या है। वाइड टायर ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफर करते हैं, खास तौर पर कॉर्नर्स में, क्योंकि रोड के साथ उनका कॉन्टैक्ट पैच इंक्रीज हो जाता है जो ट्रैक्शन इंप्रूव करता है, और सेकंड ये बाइक को ज़्यादा मस्कुलर लुक भी प्रोवाइड करते हैं। रुक जाओ भाई, मगर वाइड टायर्स की हैंडलिंग बहुत हार्ड हो सकती है, स्पेशली एट लोअर स्पीड्स। इससे रोलिंग रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है जो फ्यूल एफिशिएंसी पर नेगेटिव इफेक्ट डालती है। तो यहाँ हमने कोशिश करी है यार टायर्स को समझने की। याद रहे, टायर्स आपके मोटरसाइकिल का एक ऐसा हिस्सा है जो असल में रोड के टच में आता है, इसलिए ये आपकी बाइक की परफॉर्मेंस और सेफ्टी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मेक श्योर कि आप वाइजली चूज करें। अब आते हैं कंक्लूजन पे कि कैसे डिसाइड करें कि आपकी बाइक के लिए कौन से टायर सुटेबल रहेंगे। वो डिपेंड करता है यार आपकी बाइक की कैटेगरी पे और आपकी राइड्स किस तरह की होने वाली हैं, मतलब सिटी राइड है या ऑफ रोड है या फिर टूरिंग राइड है। तो वैसे अगर आपको ना ही हार्डकोर ऑफ रोडिंग करनी है और ना ही ट्रैक रेसिंग करनी है तो दो कैटेगरी तो बिल्कुल ही निकल जाती हैं, जो है ऑफ रोड टायर्स और ट्रैक टायर्स। बाकी बचती हैं दो कैटेगरी, रोड टायर्स एंड डुअल स्पोर्ट टायर। तो अगर आपकी बाइक सिटी यूज के लिए है तो रेगुलर रोड टायर्स ही ठीक रहेंगे। इंडियन ब्रांड्स में सीएट, एमआरएफ, अपोलो लीडिंग ब्रांड्स हैं। तो रोड टायर्स में यार थोड़ा बहुत ट्रेड पैटर्न का डिफरेंस हो सकता है, किसी में हाइड्रोप्लेनिंग को अवॉइड करने के लिए ट्रेड ज्यादा अग्रेसिव होते हैं तो किसी में कम। वैसे इस टाइप के सभी टायर्स में एक ही मेन करैक्टर होता है, वो है ड्यूरेबिलिटी यानी कि लॉन्ग लाइफ। इसके अलावा किसी का ट्रेड मोटा हो सकता है या किसी का ट्रेड पतला हो सकता है, उससे लाइफ में थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। वैसे टायर्स लाइफ आपके ब्रेकिंग स्टाइल पे भी डिपेंड करता है। अगर आप हार्ड एंड अग्रेसिव एक्सेलरेशन एंड डीएक्सेलरेशन या हार्ड ब्रेकिंग करते हैं तो टायर की लाइफ उतनी ही कम होती जाती है। फिर यार सेकंड आता है जो लोग लॉन्ग टूरिंग करते हैं और उनके पास एडवेंचर या टूरिंग बाइक्स हैं, तो वो लोग डुअल स्पोर्ट टायर्स डलवा सकते हैं। वैसे आजकल कंपनीज ऐसी बाइक्स में डुअल स्पोर्ट टायर ही प्रोवाइड कर रही हैं और आजकल ये कैटेगरी सबसे ज्यादा चलती है, क्योंकि ऐसे टायर्स की लाइफ ज्यादा होने के साथ साथ कॉर्नर्स और वेट रोड ग्रिप भी बढ़िया मिल जाती है। इन टायर्स में भी ट्रेड और कंपाउंड डिफरेंस होता है। एक टायर नॉर्मली 5,000 रुपए से शुरू होकर 25,000-30,000 तक हो सकता है। ऐसी टायर की कैटेगरी में सीएट ग्रिप, अपोलो ट्रेम्पलर, एमआरएफ का रेवजी और इंपोर्टेड टायर्स में मेजलर, टूरेंस, रेडस्टीन, सेंचुरो और पेरेलियन, स्कॉर्पियो, मिशलिन रोड कैटेगरी के फेमस टायर्स आते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट है इंडियन रोड के हिसाब से हार्ड और मिक्स कंपाउंड टायर्स ही बेटर रहते हैं। अगर आप टूरिंग के हिसाब से देखें तो आप इंडिया में कहीं भी चले जाओ 80-90% आपको रोड्स ही मिलेंगी और 10-20% ही होगा जब आपको ऑफ रोडिंग करने का मौका मिले और वो भी सर्टन एरियाज में। अगर आप लद्दाख को ही कंसिडर कर लो तो यार दिल्ली से लद्दाख का जो ट्रिप बनता है वो 3,000 किलोमीटर का बनता है और मेरे ख्याल 300 किलोमीटर की ऑफ रोड भी नहीं रहती है उसमें, वो भी तब जब आप संस्कार कर रहे हो। तो आने वाले कुछ सालों में वैसे ही रोड बन जाएगी। और मोस्टली ये जो टायर्स की बात हमने ऊपर करी वो मोस्टली मिक्स कंपाउंड के टायर जो हैं वो 80-20 या 90-10 की कैटेगरी के टायर्स में ही आते हैं। तो इनमें से आप कोई भी टायर ले सकते हो अपनी पॉकेट के हिसाब से, मगर स्टॉक टायर साइज से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। 10 पॉइंट ज़्यादा हो सकता है या 10 पॉइंट कम हो सकता है, इतना ही आप चेंज करो। जैसे अगर स्टॉक साइज 160 है तो ज़्यादा से ज़्यादा कम करने के लिए 150 और बढ़ाने के लिए 170 ले सकते हो। एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ कि क्या डिफरेंस फील होगा, क्योंकि मैंने ये करके देखा है अपनी वर्सेस में। वर्सेस में जो है स्टॉक टायर साइज जो है 160/60 है,
बट जब मेरा ये टायर खत्म हो गया तो मैंने मिशलिन अनाकी एडवेंचर के बारे में पढ़ा और पता लगा कि यार ये बहुत ही बढ़िया टायर है और ये BMW 1250 GS में स्टॉक टायर के रूप में आता है ये। बट साइज जो है इसका 10.2 पर है यानी 170/60 है। उस टायर की वेट और कॉर्नर ग्रिप बहुत ही जबरदस्त है, तो मैंने सोचा यार लगा कर देखते हैं कि क्या फर्क लगता है। तो मैंने 2022 में वही टायर लगवा कर वर्सिस से लद्दाख किया था। ओ भाई क्या टायर था, एक नंबर कॉर्नर ग्रिप, एक नंबर बेल्ट ग्रिप और बाइक को इतना स्टेबल बना दिया उस टायर ने, मैं तो उस टायर का फैन ही हो गया था। मगर उससे एक प्रॉब्लम होने लगी थी कि बाइक हैवी लगने लग गई थी, जिससे बाइक को पांव के साथ आगे पीछे करना थोड़ा टफ लगने लग गया था और चढ़ाई पे तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे क्योंकि यार ग्राउंड कॉन्टैक्ट जो पैच होता है वो बढ़ गया था। और तो और वो टायर लगभग 28,000 किलोमीटर चला। आप सुन के हैरान हो रहे होंगे बट उसका रीजन था भाई वर्सिस का कम वेट, क्योंकि वर्सिस का वेट 210 किलो है और BMW का 250 किलो। वही टायर अगर BMW में लगाओगे तो 15,000-16,000 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चलेगा। अब आता है सेकंड एग्जांपल, जब मैंने उसी वर्सिस के अंदर टायर को अंडर साइज कर दिया। अनाकी लगाने के बाद मैंने टायर डलवाया अपोलो ट्रेम्पलर XR जिसका साइज था 10 पॉइंट कम यानी कि 150/60। अब देखो डिफरेंस, टायर लगाते ही फील हुआ कि बाइक कितनी हल्की हो गई है और उससे थोड़ी एक्सेलरेशन भी बढ़ गई और उससे पांव से आगे पीछे करना भी काफी इजी लगने लग गया मुझे, क्योंकि रोड का जो कॉन्टैक्ट पैच था वो थोड़ा कम हो चुका था। मगर वो टायर सिर्फ और सिर्फ चला 13,000 किलोमीटर, क्योंकि वो टायर इतनी हैवी बाइक्स के लिए नहीं बने हैं। तो भाई इसलिए कंपनी रिकमेंडेड टायर साइज हमेशा बेस्ट रहते हैं, जितना भी हो सके टायर साइज चेंज नहीं करना चाहिए। ट्रेड टाइप आप चेंज कर सकते हो एज पर योर बाइक टाइप एंड योर राइडिंग नीड्स। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो या कोई पॉइंट मुझसे छूट गया हो इस वीडियो के अंदर तो आप मेरे को डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो ओवर माई इंस्टाग्राम हैंडल जो सेम इसी नाम से है DrRider33। होपफुली ये वीलॉग आपको अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर ऐसा है तो जल्दी से लाइक कमेंट एंड शेयर ठोक देना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर देना, अपने दोस्तों और फेलो राइडर्स के साथ शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए हर हर महादेव।